अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम शहरियान हैदराबाद, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में मुख्तलिफ वकला माहिर इस वक्त मौजूद है। उसमें एक माहिर वकला की टीम का इजाफा हुआ जा रहा है और इसका नाम जो है लीगल वेगन है। मैं इस मौके पर आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर लीगल वेगन में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सिविल, क्रिमिनल और साइबर क्राइम्स, जीएसटी और फैमिली मैटर्स, चेक बाउंस, इस तरीके के सारे सेक्शंस जो इंसानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आते हैं उस पर माहिर मुश्तमिल वकला की टीम मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी खिदमात को पेश करेंगे। और ये टीम जो है इंशाल्लाह हैदराबाद के तमाम पूरे ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के तमाम अदालतों के अंदर अपनी पहुंच रखती है और अपना डेडिकेशन के साथ खिदमात पेश करेगी। मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पर वकला की खिदमात के साथ साथ यहाँ पर काउंसलिंग की और फिर लोगों को मुख्तलिफ किस्म की रहनुमाई का भी मरकज़ कायम किया गया है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में करीब करीब 4 करोड़ अदालत के अंदर केसेस चल रहे हैं दौरान हैं। और अगर माहिर कानून के मुताबिक अगर 83 ईयर्स दिन रात अगर जजेस जो है फैसला देने बैठे तो भी वो समेट नहीं सकते इस सूरत हाल के दौरान हम चाहते हैं कि ऐसे वक्त केसेस जो आसानी के साथ हल किए जा सकते हैं, लोगों को मसालेहत के ज़रिए से, कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए से, लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हुए इफ़ाम व तफ़ीम समझ के साथ अगर हल किया जा सकता है तो वो यहाँ पर काउंसलिंग के भी माहरीन की खिदमात हासिल की गई हैं, उल्मा की खिदमात हासिल की गई हैं। जो उल्मा जो हैं अपनी इस्लामी रोशनी में और फिर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ माहरीन की खिदमात यहाँ पर हासिल की गई। तो हम तमाम आपसे अहलियान हैदराबाद को मुबारकबाद पेश करते हैं और इस मौके पर हम दुआ करते हैं कि जो हमने ये ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाया है ये हम शहर हैदराबाद के अवाम की खिदमत का ज़रिया बने और लोगों को आसानियाँ और राहत देने का ज़रिया बने। जी सर, एड्रेस किधर है ये? बिल्कुल शहर हैदराबाद में नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट, जो काफ़ी लोगों को मालूम है। और फिर अगर नामपल्ली की जो मेन रोड है दरगाह से जब आगे बढ़ेंगे यूसुफ़ेन दरगाह से, तो जब नामपल्ली की रोड आती है तो उस पर बिल्कुल लबे सड़क पर कॉर्नर पर एट द एंच फ्रंट पर लीगल वैगन के नाम से बड़ा बोर्ड नज़र आएगा। अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं तो नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के बाद एक बिल्डिंग, अगर नामपल्ली से आ रहे हैं एक बिल्डिंग छोड़कर ये लीगल वैगन का कॉर्नर पर ऑफिस है, टीन पोस्ट मस्जिद के बिल्कुल यानी कि अगर देखा जाए तो पीछे होता लील टीन पोस्ट मस्जिद जो है अंदर है तो उसका जो पिछला हिस्सा आता है वो ना मेन रोड पर आता है तो उसके बिल्कुल सामने उसके करीब ऑफिस हमारा वाक़ है। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नामपल्ली कोर्ट जो क्रिमिनल कोर्ट है उसमें जो भी केसेस चलेंगे वो भी देखेंगे आप, ना सिर्फ नामपल्ली केसेस देखेंगे? हम लोग इसके अंदर जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि हम लोग हैदराबाद के तमाम अदालतें, हाई कोर्ट, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, मनोरंजन, चेक बाउंस, डीवीसी के केसेस और फिर संगारेड्डी कोर्ट, एलबी नगर कोर्ट, मलकाजगिरी कोर्ट और सिकंदराबाद कोर्ट और पूरे तेलंगाना के केसेस को इंशाल्लाह हम लोग हमारे पास अपने दोस्त यानी कि टीम है वकला की जो इस वक्त हमें हमारी खिदमात उनको हम पेश कर सकते हैं। जी सर, ओके, थैंक यू। मैं एडवोकेट अब्दुल सलाम और हमारी टीम के अंदर हमारे जो साथी हैं एडवोकेट बिलाल साहब हैं और आप LLM हैं,